अस्सलाम वालेकुम, असगर अली सर, खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा, तो मैंने आपको पहले जो बनाया था ना, पहला पार्ट बना था ऑक्टा एफएक्स का, अभी दूसरे पार्ट है ये, तो उस पर बात करते हैं। अच्छा, ऑक्टा एफएक्स पे मैंने आपको पहले डेमो का कहा था, अभी ये मेरा डेमो का ना रियल अकाउंट है, ठीक है। इस पे जो पहले काम कभी किया था मैंने, खैर अभी नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ, डिपॉजिट कैसे करते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि हम पाकिस्तान में रहते हुए अपने इजी पैसा जैसे किसी दूसरे बैंक अकाउंट से ओक्टा एफ एक्स पर कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने डिपॉजिट पे आ जाना। अच्छा, यहाँ पे इतने सारे जो है ना वो ऑप्शंस आ रहे हैं, आपने यहाँ पे चले जाना बैंक ट्रांसफ़र पे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अपने मिनिमम जो है ना वो 5,000 अमाउंट डिपॉजिट करना है, 5,000 से कम आप नहीं कर सकते, मतलब आप 4,000 करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो कम से कम 5,000 ही आपने करना है। अच्छा, इस पर कोई फीस वगैरह नहीं होती, जो कि डॉलर का रेट होता है उसी रेट में वो डिपॉजिट होते हैं, उसी रेट में विड्रा होते हैं, तो उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। अगर कल को हो जाए तो वो पता नहीं, लेकिन अभी तक मैं ये बता रहा हूँ। तो आज के रेट के हिसाब से 5,000 जो है ना वो तकरीबन 22.92 डॉलर बन रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पे जो अमाउंट सेलेक्ट करनी, कम से कम 5,000, आप 50,000 जो भी करना चाहिए, कम से कम जो बता रहे हैं वो 5,000 है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ कि ये 1 से 3 घंटे में आपके अमाउंट जो है वो उस पे अकाउंट पे आ जाते हैं या विड्रा भी हो जाती है, ठीक है। तो डिपॉजिट का बता रहा हूँ, तो डिपॉजिट भी ऐसे ही 1 से 3 घंटे में हो जाती है, और विड्रा भी 3 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। बाद वक्त अगर देर हो जाती है तो फिर आप कॉन्टैक्ट पे जाकर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये मंडे से फ्राइडे का होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मंडे से फ्राइडे अगर आप करेंगे तो आपके 1 से 3 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट डिपॉजिट हो जाएगी, या विड्रा कराना चाहो तो विड्रा भी हो जाएगी। लेकिन अगर हफ्ते इतवार को आपने अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो ये आपकी रिक्वेस्ट जाके मंडे को फॉरवर्ड होगी, वो फिर 3 घंटे या 4 घंटे या 8 घंटे में वो आपकी रिक्वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि इनके जो ऑफिशियल्स डे हैं, जो कि सैटरडे और संडे उनकी छुट्टी होती है, तो मंडे से फ्राइडे के बीच में आपने डिपॉजिट करना, तो 1 से 3 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा, सही। अच्छा, तो यहाँ पे हमने कम से कम अमाउंट जो 5,000 है, तो हमने वैसे रेंडमली 5,000 सेलेक्ट किया है। आज के डॉलर के हिसाब से तो ये 22.92 आ रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले वक्त में कम हो या ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वो डॉलर के हिसाब से हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे जब आप आएंगे, अभी आपने देखना है कि आपकी बैंक कौन सी है। यहाँ पे वो बैंक नहीं जिसमें डिपॉजिट करना है, आपने अपनी बैंक देखनी है। अगर आपकी बैंक अस्करी है तो आपने अस्करी बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक लहबीब है, बैंक अलफला है, बैंक खैबर है, बहुत सारे है, देख लें। अच्छा, इजी पैसा अगर किसी का मोबाइल अकाउंट है तो इजी पैसा से आपने कर लेना है। अगर इजी पैसा है या जेज कैसे है तो जेज कैसे भी कर लेना है, ठीक है। तो ये बैंक जो है ना तरीक़ेकार है, किसी के MCB बैंक है, किसी की मिजान बैंक है, नेशनल बैंक है, ठीक है, NSBO बैंक है, बहुत ज़्यादा सारे बैंक हैं, समिट बैंक है, टेलनोर बैंक है, ठीक है। यू पैसा मोबाइल अकाउंट से भी आप कर सकते हो, इजी पैसा से भी कर सकते हो, जेज कैश से भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको जेज कैश का बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, जेज कैश में आएगा तो आपने ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने अपने जेज कैश का जो ऐप होगा आपने उसमें जाना है, सही है। उसमें जाके बैंक ट्रांसफ़र में आप जाओगे, बैंक ट्रांसफ़र में आपने जाके वहाँ पे यूनाइटेड बैंक आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यू बी आई सेलेक्ट करने के बाद अपना अकाउंट नंबर ये देना है। अच्छा, IBAN अगर वो मांग रहा है तो फिर आपने IBAN ये देना है, अदरवाइज़ वो नहीं मांगते, ठीक है। जो रिसेप्ट जो होता है ना उस पर रेफरेंस होता है, तो रेफरेंस में आपने अपना ये डिलीवर लगा देना, मेरा ये आ रहा है तो आपने ये नहीं लगाना, आपने अपना डिलीवर लगा देना, ठीक है। अच्छा, तो ये डिपॉजिट अमाउंट अभी 5,000 है, तो 5,000 डिपॉजिट होगी। अगर आप चेंज करना चाहें तो अभी आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने अगर एक रिक्वेस्ट 5,000 की करनी है, दूसरी 3,000 की करनी है, तो फिर 3,000 रिक्वेस्ट आपकी नहीं होगी। अगर आपने 8,000, 10,000, 20,000 जो भी डिपॉजिट करना है, तो आप 5,000 करके कम से कम 5,000 कर सकते हैं। अगर किसी ने 7,000 डिपॉजिट करने हैं तो वो 7,000 आपके तब तक नहीं होंगे जब एक साथ करोगे, या 5,000 कम से कम हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 5,000 एक बार करना फिर कहना अभी 2,000 करता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। तो 5,000 की कम से कम लिमिट है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये पढ़ लेना है, ये मैंने चलो पढ़ा हुआ है। स्पीड रिक्वेस्ट टू फिल ओनली डिलीवर। अच्छा, आपने यहाँ पर डिलीवर जो मेरा आ रहा है कोड,
सॉरी ये तो मेरा अकाउंट नहीं है, एक कस्टमर का है दोस्त का, तो वो मैंने उसी से मांगा। मैंने कहा आपको ये दिखा दूँ कि इस पर डिपॉजिट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये तो उसका अकाउंट है, तो ये उसकी डिलीवरी आ रही, तो आपने यहाँ पे अपना डिलीवरी लिखना है, ठीक है। यूज़ योर ओन बैंक अकाउंट, अपना या बैंक अकाउंट जो है वो यूज़ करना है, जैसा कि जैसे किसी जी पैसा या कोई भी बैंक अकाउंट जो आपके नाम पे हो, जिस पर अकाउंट होल्डर आप हो, किसी और का नाम ना हो, ठीक है। तो ये कोशिश करनी है। अच्छा, तो डिपॉजिट रिक्वेस्ट पहले क्लिक करनी है, इसका हो जाता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे आप आओगे तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट स्टेप पे आप आओगे तो यहाँ पे आपने अपना नाम वगैरह देना है, सॉरी डिटेल वगैरह देनी है। उसके बाद आपने चला जाना है जज केस पे। आप जब यहाँ से अमाउंट सेलेक्ट करोगे, ठीक है, 8,000, और फिर आपने कोई भी मैं सपोज इजी पैसा कर लिया, और यहाँ पे आपने जाना है, ये जो आपने जैसे ये दिया हुआ ना अकाउंट, यहाँ पे आपने जाके अपने मोबाइल वॉलेट जो भी इजी पैसा जैसे कैसे इस पे जाके डिपॉजिट करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जो रिसिप्ट आती है उसके स्क्रीनशॉट के साथ आपने उनको आगे सेंड कर देना है, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।